सो फाइनली आप सबका इंतजार खत्म हुआ हांदे अर्चिल एंड बुराक डेनिस एक साथ नजर आने वाले न्यू टर्किश ड्रामा सीरियल में, जिस ड्रामे फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हांदे अर्चिल ने लैला का रोल प्ले किया है, बुराक डेनिस ने किनान का रोल प्ले किया है, जिसे आप बहुत जल्द देखने वाले हैं फॉक्स चैनल पर। पहले किनान को दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज रिपोर्टर है जो कि न्यूज पढ़ रहा होता है कि टर्की में आज सुबह एक खौफनाक कत्ल हुआ। वहीं पे दूसरी तरफ लैला को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोस्टिक्यूटर होती है जो कहती है कि मुझे कातिल को किसी भी हाल में पकड़ना है। फिर किनान को दिखाया जाता है, उसे पीछे से कोई लड़की आवाज देती है और कहती है किनान ओस्तर, और फिर किनान उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे कातिल बाप को क्यों मारा जा सकता है। किनान और लैला को दिखाया जाता है, किनान लैला से कहता है कि मैडम प्रोस्टिक्यूटर मैं आज फैसला बांट रहा हूँ। फिर लैला को दिखाया जाता है जो कि कहती है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। किनान कहता है क्या आप मिलना चाहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अल्फाज चाहती हैं। फिर किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं, मैं हर किसी की तरह नहीं लग। वहीं पे लैला को दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़े आदमी से कहती है कि तुम अब फिटनेस हो, बताओ कौन था वहाँ पे। वहीं पे वो आदमी किनान की तरफ हाथ से इशारा करके कहता है कि ये आदमी था। फिर आगे जाके लैला को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहती है कि कल रात कहाँ थे तुम, और किनान कहता है कि मैं घर पर था, और लैला कहती है कि कोई है जो कंफर्म कर सके कि तुम घर पर थे। किनान लैला को कहता है कि हम शायद एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। वहीं पे ट्रेलर खत्म हो जाता है, 11 सितंबर को फॉक्स चैनल पे देखने वाले हैं। सो फाइनली आप सबका इंतजार खत्म हुआ हांदे अर्चिल एंड बुराक डेनिस को, फाइनली हम एक साथ देखने वाले हैं इस न्यू टर्किश ड्रामा सीरियल। कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही दिन के बाद ये ड्रामा रिलीज कर दिया जाएगा। मुझे तो ये ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मुझे तो इसका ट्रेलर देखने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी लग रही है, क्योंकि आज तक जो भी मैंने टर्की के ड्रामों की स्टोरीज देखी है वो ज्यादातर सिमिलर ही होती है। इस ड्रामे का फर्स्ट ट्रेलर देखने के बाद आइडिया हो जाता है कि इस ड्रामे की स्टोरी जो है बहुत ज्यादा यूनिक दिखाई गई है। आपको इस ड्रामे का ट्रेलर देखने के बाद कैसा फील हो रहा है तो नीचे लाजमी कमेंट, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस ड्रामे का वेट कर रही थी। सो फाइनली मेरा वेट खत्म हो गया और ये ड्रामा बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, तो मुझे इसकी फर्स्ट एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतजार है। सो उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आए। की मजीद इस तरह और भी वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।